Hi guys, welcome to my channel D-Mark. कैसे हैं आप? So, ये वीडियो आपके बहुत सारे यूट्यूब के कमेंट्स आए हैं, जो कि ज़्यादातर वो बच्चे हैं जो 10th में हैं, 9th में हैं, 11th में हैं, या जो अभी पाठशाला ज्वाइन करना चाहते हैं या कर चुके हैं, किसी पेड बैच में हैं, और या तो कोई PW ज्वाइन करना चाहता है तो वो इस चीज़ में कन्फ्यूज है कि वो ऑनलाइन ले कि ऑफलाइन ले, और या तो मतलब बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे। आप हर वीडियो पे जाइए, अभी जितने भी मैंने लेटेस्ट में ब्लॉग वाले वीडियो या मैं जो भी अभी शॉर्ट वीडियोस भी डाल रहा हूँ यार, इतने सारे कमेंट्स, मैं डेली 3-4 कमेंट्स के रिप्लाई देता हूँ। और क्वेश्चन ये नहीं होते कि इतने से होंगे या 2 लाइन के क्वेश्चन होंगे, इनके क्वेश्चन पैराग्राफ में होते हैं और मैं लिखते लिखते तक जा रहा हूँ सबसे और बताते बताते, तो इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो ही बना देते हैं। सबसे बेस्ट आइडिया यही है कि जितने भी बच्चों को मुझे ऐसा लगता है बता देना चाहिए या इनको जानना चाहिए, जो 11th में 12th में है या जो 9th में है 10th में है, जो ज्वाइन करना चाहते हैं जो नहीं किए हैं, या जो पाठशाला में आना चाहते हैं और वो ऑनलाइन में हैं, मतलब इस तरीके की जो कन्फ्यूज़न है ना, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट क्लास वाइज चलते हैं 9th वाले बच्चों के ऊपर, 9th और 10th वालों के लिए। आई एम नॉट गोना सजेस्ट कि आप लोग पाठशाला ज्वाइन कीजिए, मैं खुद पाठशाला से हूँ, मुझे पता है कि 9th और 10th में आप प्रिपरेशन बच्चे बहुत सारे शुरू कर देते हैं, बट इट्स नॉट गोनो डू एनीथिंग सो मच टू योर कंपटीशन। 9th और 10th में हो, फोकस ऑन योर फर्स्ट थिंग, और फर्स्ट थिंग अपना बेस इतना स्ट्रांग करो कि 11th 12th में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। सेकेंड थिंग, सिर्फ बोर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट करो, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स पे। नीट और JEE 10th के बाद की सोचने वाली बात है, 11th 12th वाले बच्चे सोचे तो समझ में आता है, 9th 10th में हो तुम लोगों को क्या सोचना है यार, 9th 10th में बैठ के तुम लोग इस चीज़ का स्ट्रेस क्यों बना हुआ। ये देखो कि 9th 10th में तुम्हारा सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रांग है, मैथ स्ट्रांग है, साइंस स्ट्रांग है, तो उस हिसाब से तुमने ब्रांच पकड़नी है। अभी तुम लोग लेके एकदम रिग्रेट बनाया हुआ, कह रहे भैया ये बता दो वो बता दो, IIT JEE नीट कहाँ पहुँच गए तुम लोग यार। बस ड्रीम रखो कि हाँ मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो उस हिसाब से अपनी वो ब्रांच अगर नीट करनी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए, इसका मतलब साइंस 10th में मतलब साइंस तुम्हारी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर तुम्हें कॉमर्स लेना है तो तुम्हारी मैथ्स थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए और बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे होने चाहिए, इकोनॉमिक्स वगैरह अच्छी होनी चाहिए। अगर तुमको आर्ट्स लेना है तो तुम्हारी हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छी होनी चाहिए, सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स अच्छे होने चाहिए, हिंदी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, तो इस हिसाब से देखो ना यार। 10th में तुम लोग बैठ के कॉम्पिटिशन का सोच रहे हो, तो कोई सेंस है इस बात की? और रही बात पाठशाला ज्वाइन करने की, तो तुम लोग सिर्फ ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करो। और दूसरा, अगर बहुत बहुत ज़्यादा अगर तुमको बहुत ऐसा है कि तुम लोग अगर कोई और कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, अगर कोई कोचिंग देखिए मुझे पता 9th 10th में बच्चे कोचिंग ज्वाइन करते हैं, अगर नहीं कोई कोचिंग ज्वाइन की है तो कोचिंग में ज्वाइन करो, एक पेड बैच लो और D-Squared ज्वाइन कर लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे बेस्ट कॉम्बो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। आई डोंट नो कोई सुन रहा है जो भी है, बट ये बेस्ट है भाई। तू क्या पागलपंती कर रहे हो यार, JEE नीट के बारे में कौन 10th में सोचता है? मैंने तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं 10th में करूंगा क्या, मैं 10th के निकल के तब सोच रहा था अच्छे तो मुझे ये करना चाहिए, मेरे को पता ही नहीं था मैं सब्जेक्ट कौन सा लूँ। जब मेरे को पापा ने पूछा कि तुम कौन सा ब्रांच लोगे, मैं सोच रहा हूँ बैठ के, मेरे 90% था, मैं सोच रहा था कि ब्रांच क्या होता है, करूँगा क्या आगे जिंदगी में, मेरे को पता ही नहीं था, और आज मैं कर रहा हूँ ना यार, फाइंड आउट हो जाता है एक टाइम पे। सो ये है कि आप डिसाइड करके रखो कि आपको क्या करना है और उस हिसाब से मेहनत करो, बट अभी सिर्फ और 9th और 10th पे ध्यान दो, कोई ज़रूरत नहीं है JEE नीट और इन सब चीज़ों के ऊपर अपना टाइम सोचने में बर्बाद करने की, अभी सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस करो। और मैं आपको कॉम्बिनेशन बता देता हूँ 9th 10th के लिए, जो भी बैच चल रहा हूँ कोई भी ऑनलाइन के बैच हो उसको ज्वाइन करो और D-Squared ले लो। अगर तुम शहर में हो तो, अगर मतलब अगर किसी तुम्हारे सेंटर में, तुम्हारे शहर में सेंटर है पाठशाला का, तो D-Squared ले लो, अगर नहीं है तो ऑनलाइन बैच लो, बस और कुछ नहीं। स्कूल जाओ, स्कूल से आओ, क्लास अटेंड करो, बस दैट्स इनफ, और अपना जो होमवर्क होता है वो करो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है 9th 10th वालों को, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर 10th पास आउट हो, 11th में आ रहे हो, तब अब मैं उनके लिए बताता हूँ, 10th पास आउट मतलब इस साल बोर्ड दे दिए हो या दे चुके हो, इस साल 11th में हो या इस साल 11th में जाने वाले हो, तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, जब ज्वाइन करना है 11th में तो 2 ऑप्शंस मैं देता हूँ। फर्स्ट थिंग, अगर तुम जा सकते हो किसी भी सिटी में, और एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, जिस भी सिटीज़ में खुल रहा है पाठशाला, ऐसा नहीं है कि लखनऊ वाले में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा और उसमें, ऐसा कोई भी वो नहीं है, सारे पाठशाला में सेम तरीके की पढ़ाई होती है, सेम तरीके के टीचर्स ही पढ़ाते हैं सारे सेंटर्स में, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, डाउट फैकल्टीज भी किसी भी सेंटर पर, किसी भी, ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोकल टीचर्स को बैठा गया,
ये बात याद रख लेना, लोकल टीचर्स नहीं बैठाए गए, जो कि सारे कोचिंग सेंटर्स में होता है ऑल ओवर इंडिया में। ये चीज फिजिक्स वाला में मैंने नहीं देखी है। गोरखपुर का ब्रांच हो, मैंने क्योंकि मैं गया था गोरखपुर ब्रांच में, और मैं भी उसका ब्लॉग नहीं, मतलब बस अंदर तक नहीं बिल्कुल गया, बट मैं वहाँ के टीचर्स वगैरह से मैंने कुछ चीज़ें बात की, अपने अपने टीचर्स से कुछ बात की है, तो इस तरीके से मुझे पता है। मैं लखनऊ पाठशाला में पढ़ा हूँ, और मैं दिल्ली पाठशाला के 2-3 बच्चों से बात करता हूँ, मैं पटना पाठशाला के अपने फ्रेंड्स से बात करता हूँ, बहुत सारे हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग मतलब इंस्टाग्राम वगैरह से शेयर करके अपनी चीज़ें वो करते हैं। तो उनका यही कहना है कि फैकल्टीज़ डाउट की जो आपको पढ़ा रही है फैकल्टीज़ उस लेवल पे ही है, मतलब इतना भी नहीं कि ये ऐसे होना, बिल्कुल इतना मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो लोग थोड़ा सीधर होंगे, और मैं झूठ नहीं बोल रहा ये चीज़, मतलब जाके कोई सर से जाके अलग पांडे सर से ये चीज़ मत पहुंचा देना यार, ना सर कहेंगे देखो इतने महंगे महंगे टीचर मैंने रखे, ये बेइज्जती कर रहा, बेइज्जती मैंने कर रहा, भाई टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट डाउट फैकल्टी वो लोग पता नहीं कहाँ से लाए यार, अलग ही लेवल के डाउट फैकल्टीज है। लखनऊ वाले ब्रांच में तो मैं बता रहा हूँ टीचर्स ऐसे ऐसे हैं ना डाउट फैकल्टी वाले, तुम टॉपिक पूछने जाओ वो चैप्टर 15 मिनट में समझा देते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ा देते हैं, वो किस लेवल का दिमाग है भाई। क्वेश्चन दो, मेरे को यार 15-30 क्वेश्चन लेके गया था फिजिक्स वाले सर के पास, और भाई वो किस लेवल का पढ़ाते हैं भाई साहब, वो क्वेश्चन को 5 मिनट लग गए हैं, उन्होंने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, और क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक्स, वर्क पावर एनर्जी, और उसके थे क्या नाम है, बेसिक मैथ्स के कुछ क्वेश्चन थे, डिफरेंशिएशन वगैरह को वो तो समझ में आते, 3-4 क्वेश्चन वैसे थे कि वो निकल गया, बट भाई वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन, वो भी है छोटे मोटे, पूरे 2-2 पेज 3-3 पेज के क्वेश्चन, अच्छे खासे जो सॉल्यूशन ले लेते हैं, वो इतना शॉर्टली सट समझा दिए, और मेरे से हो भी गया, उसके उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होगा। तो ऐसा है, तो मेरी ये मानो अगर तुम जा सकते हो, अगर हॉस्टल ले सकते हो तो 11th में जहाँ, अगर सेंटर पे जा सकते हो, अगर सेंटर अवेलेबल नहीं था सिटी में तो तुम जाओ किसी पास के सिटी में, वो जाके वहाँ पे हॉस्टल ले लो, और हॉस्टल के साथ तुम अपना कोचिंग ज्वाइन कर लो, एक चीज़ ये कर सकते हो। दूसरा चीज़, अगर तुम नहीं भी जा पा रहे हो, अगर तुम्हारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है कि तुम जाके पाठशाला ज्वाइन कर सको, या तुम्हारे शहर में नहीं है, या तुम ज्वाइन नहीं कर सकते, बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल रीजन, जो भी रीज़न है, इकोनॉमिकली रीज़न हो सकते हैं, तुम्हारे पर्सनल रीजन्स हो सकते हैं, घर के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सबके होते हैं भाई, सबके ज़िंदगी में है, तो उसके लिए ये है पेड बैच ज्वाइन करो जो टीचर बोल रहा है 11th 12th। अगर तुम पेड बैच में हो तो जो टीचर बोल रहा है कान खुला रखो और घोट के पी लो, एक बार भी 1% के लिए भी अपनी बुद्धि मत लगाना, कोई जरूरत नहीं अपना दिमाग लगाने की, वो टीचर 60-70 हज़ार बच्चों को पढ़ा के आ चुका है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे जैसे दिमाग वाले से बहुत सारे बच्चों को नहीं पढ़ चुका है, तो अपना बुद्धि ना लगाओ, जो बोल रहा है उसको अपनी तरीके से ढाल लो, बट उसमें अपना दिमाग ना लगाओ कि नहीं ये बोला तो, और यही चीज़ समझ लो टीचर तुमसे ज़्यादा तेज है। बहुत बच्चे मेरे कोचिंग में देखता हूँ अपने आप को टीचर से ज़्यादा स्मार्ट बनाने की प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, और वो बर्बाद हो जाते हैं। मैंने नहीं किया है, बट मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों को देखा ये चीज़ करते हुए, और वो जिंदगी में आज किसे लायक नहीं बच्चे हैं। तो टीचर को बेवकूफ़ मत समझो, टीचर तुमसे बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा जानता है, ये चीज़ समझ लेना। उसके बाद से जो 11th वाले हैं, तो ये तो चीज़ करो, ये दो ऑप्शन है, या तो पाठशाला ज्वाइन कर लो, पाठशाला का ज्वाइन कर सकते हो तो कर लो कर लो कर लो, 100 टाइम बोलूँगा कर लो, वो बेस्ट है आपके लिए। अब उसके लिए तुम क्या करो, डमी स्कूल लेने वगैरह का एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था कि भैया लखनऊ में डमी स्कूल बताओ, भाई मैं नहीं जानता, मैं किसी भी सेंटर का मैं डमी स्कूल क्या बताऊं, और डमी स्कूल एक्चुअली देखा जाए तो भले ही हो रहा है इंडिया में, बट वो इलीगली तरीके का तो है, क्योंकि CBSE हो चाहे UP बोर्ड चाहे कोई भी बोर्ड हो, वो अटेंडेंस तो मांगता है, वो अलग बात है आपके स्कूल वाले जुगाड़ करके निकाल लेते हैं कहीं से भी, और 90% टॉपर सही करते हैं, कोई कुछ कहने नहीं जाता है, बट सिस्टम तो यही है, जितना मुझे जानकारी है कि इलीगल है, नहीं आपका अटेंडेंस देना मस्ट है। सो अगर बोर्ड्स में हो तब तक तो नहीं, 11th 12th के लिए भी अगर डमी स्कूल कर भी रहे हो सो संभल के, कोई भी अगर वीडियो देख रहा है प्लीज़ थोड़ा सा सेफ साइड खेलोगे, स्कूल ज्वाइन कर लो, अटेंडेंस कम दे दो, समझ रहे ना, सारा काफ़ी है, तुम समझ जाएगा, समझदार बच्चों। और इसके अलावा 12th वाले बच्चों के लिए, 12th के लिए एक चीज़ बोलूँगा, अपने बोर्ड्स को ग्रांटेड मत दो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, बहुत बच्चे ने बोला भैया मैं ड्रॉप नहीं लेना चाहता, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना चाहता हूँ, 11th का एक बच्चा था उसने भी मैसेज किया था, एक 12th के बच्चे ने बोला कि भैया कुछ ऐसा बता दो कि 12th के साथ साथ हो जाए, अभी के लिए फिलहाल अगर वो ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी बहुत सारे 3-4 बैचेस JEE और नीट के लिए निकले हैं, जो कि पाठशाला में भी चल रहे हैं ड्रॉपर्स के लिए 12th के बच्चों के साथ वाला, और ड्रॉपर्स के लिए भी हैं और 12th के साथ वाली कंबाइंड बैच चल रहे हैं,
तो वो बैचेस ज्वाइन कर लो, बहुत ही एफिशिएंट है। पिछले साल जो बैच चला था, मैं कान पकड़ता हूँ, मैं कभी ये गलती नहीं करूँगा आपसे जिंदगी में, नहीं करूँगा कि जो टीचर बोल रहा है उसकी बात काटने वाला। ये काटा नहीं था, देखो मैंने क्लास अटेंड की थी, मैंने पूरी क्लास अटेंड नहीं की थी। हम लोग को क्लासेस फ्री मिली थी, हम लोग को बिल्कुल अलग सर ने पढ़ाया था, यकीन बैच की मैं बात बता रहा हूँ। और 45 डेज का था वो, वन डे वन चैप्टर होता था, और मैंने इसको कंटिन्यू नहीं किया। और जब पेपर ख़त्म हुआ, मुझे इतना रिग्रेट हुआ इस चीज़ का ना, जितना सर ने पढ़ाया तो उसके बाहर आया ही नहीं। और वो एक दिन में, और ऐसा भी नहीं है क्रैश कोर्स, मतलब क्रैश कोर्स मत समझना कि 3-4 घंटे में तुम्हारा चैप्टर खत्म होगा। अगर क्रैश कोर्स ज्वाइन किए हो तो क्रैश कोर्स की तरह वो लोग तुमको क्रैश कर देंगे, तो उसके लिए भी तैयार रहना। 8-9 घंटे के चैप्टर्स कभी कल हो जाते हैं। अरे थर्मोडायनेमिक्स सर ने 8 घंटे पढ़ाया था पिछले साल, 8 घंटे भाई, और 2 लेक्चर हुए थे, एक 8 घंटे की और शायद एक 4 या 5 घंटे की थी। सो इजी मत समझना कि क्रैश कोर्स है तो एकदम लुलबुल लेके चलना, ना 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 ना। सो और रही बात दूसरी तीसरी चीज, आपका डाउट है कि बोर्ड्स में वाले को जो है, और ड्रॉपर्स के लिए मैं क्या ही बताऊँ, मैं खुद ड्रॉपर हूँ। और मैं केमिस्ट्री के लिए एक वीडियो लॉन्च करने वाला हूँ इस संडे, एक वीडियो आपके पास पहुंचेगी। उस वीडियो को अगर फिजिक्स पढ़नी है तो फिजिक्स के लिए मैंने वीडियो डाल दिया, केमिस्ट्री पढ़ने केमिस्ट्री के लिए भी वीडियो डाल दूंगा, बायोलॉजी के लिए भी डाल दूंगा। देखिए मैं मैथ्स के लिए नहीं बता सकता, मैथ्स के लिए मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं नहीं बता सकता, मैं क्या बताऊंगा। मेरे को व्यूज़ के लिए मैं नहीं ये वीडियो डाल रहा हूँ कि मैं सिर्फ व्यूज़ पाऊँ, मेरे को कुछ भी मैं बोल के किसी की ज़िंदगी नहीं बर्बाद करने वाला हूँ, ठीक है। मेरे को पता है तभी मैं बताऊँगा, अगर नहीं पता तो मैं नहीं बताऊँगा, सब बात ना है, मुझे नहीं पता मैथ्स के बारे में। मैं मैथ्स पढ़ी है बट मैं बता रहा हूँ, ये भी एक सीक्रेट है, वो भी आप लोगों को कहानी कभी ना कभी पता चल जाएगी। और मैं मैथ्स के बारे में नहीं बताऊँगा, मेरे को बहुत अच्छी तरह से पता है बट मैं नहीं बताऊँगा, मैं सेफ गेम खेलूँगा। सही बात ही है, मैं सेफ्टी के साथ खेलना चाहता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को बहुत लीथल गेम खेलने की। मैं मैथ्स के बारे में नहीं बताऊँगा, बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स का मैं बता दूँगा नीट के लिए, सिर्फ नीट के लिए। और अगर कोई जेई वाला मिल गया तो, और एग्ज़ाम के बाद आपको मिलेगी, मे भी शायद मैं एक IITian से आपकी बात करा भी सकूँ, जिस बंदे ने, एक मेरा फ्रेंड है जिसने IITian निकाली है और मेरा बेस्ट फ्रेंड है, सो मे भी आप लोग को वीडियो मिल सकता है। अभी नहीं मिलेगा, अभी मत चले जाना, कमेंट्स करना मत शुरू करना देना प्लीज़। मैं किसी भी वीडियो में कुछ बोल देता तुम लोग उसका कमेंट शुरू कर देते हो नीचे में, मेरे को इटरी मैंने बहुत सारे कमेंट डिलीट किए, तुम लोग को पता, तुम लोग स्पैम कर दिए थे पूरे हर वीडियो पे, तुम लोग क्या कुछ भी कमेंट कर रहे हो यार, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ उसके मतलब नहीं है कि वो चीज़ें 100% पॉसिबल है, किसी के लिए नहीं होती है, तुम लोग एकदम कम ऑन चीज़ समझो यार। सो हो सके तो मैं वीडियो उसके साथ डाल सकता हूँ, अगर वो देख रहा है, मैं भी वो देख रहा, उसका नाम अभय, अभय भाई मैं तेरे बारे में बोल रहा हूँ अगर देख रहा है तो मान जा यार, मेरे फ्रेंड ने भी चैनल में सब्सक्राइब किया हुआ तो ये चीज़ है। और आप लोग को जल्दी उसके बारे में वीडियो भेजेगा। और नीट के बारे में मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो तो मैंने इस तरीके से थी कि मैं आपके क्वेश्चन सारे क्लियर कर दूँ और सारे डाउट्स जितने भी आप लोग के, अभी आप लोग ने नए नए वीडियोज़ पे, मेरे ब्लॉग पे, और मैंने जो डाला था PW ऑल अबाउट PW, उस पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहा। और दूसरा वाला जो एक वीडियो मेरा अभी जो मैंने जो सेकेंड वीडियो अपना अपलोड किया था माई एक्सपीरियंस एट पाठशाला, उस पर सबसे ज़्यादा वो मोस्ट कमेंटेड वीडियो है मेरा, हर दिन उस पर 2 कमेंट्स आ रहे हैं, हर दिन इतने ज़्यादा उस पर कमेंट्स हो गए, मुझे भी नहीं पता, बहुत सारे कमेंट्स हैं। और इसके बाद से एक जो मैंने अभी टेस्ट में वीडियो डाली है ऑल अबाउट पाठशाला, उस पर बहुत सारे कमेंट्स हैं। और तीसरी वीडियो है मेरा व्लॉग करके था, मैंने एक व्लॉग डाला था जिसमें मैंने बताया था कि जो भी मतलब बहुत कुछ है, 3 वीडियोज़ हैं मेरी ऐसी जो बहुत सारे कमेंट्स इनक्रीज, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। 9th वालों के लिए भी मैंने बता दिया, 11th वालों के लिए भी मैंने बता दिया क्या करना है तुम लोग को, 12th वालों के लिए भी, 12th वालों के लिए ये है। और देखो एक और चीज़ है, अगर सीट्स भर जाती हैं पाठशाला में अगर सीट्स भर जाती हैं देन ज्वाइन द डी स्क्वायर में, तो सीट्स जितना मुझे पता अनलिमिटेड होती होंगी, उसमें लिमिटेशन मुझे नहीं लगता होगी डी स्क्वायर में, क्योंकि वो 3 दिन का होता है शायद, मे बी शायद वीक के अराउंड होता है, तो डी स्क्वायर में तो लिमिटेशन मुझे नहीं लगता। और इतने ज़्यादा डाउट भी नहीं होता यार, इतना तो मेरे नहीं होता, मैं सीस्कॉर में पढ़ता हूँ, मेरे नहीं होते, तुम्हारा कैसे हो जाएंगे। टीचर इतना ज़्यादा टफ नहीं बता देता है कुछ की, तो एकदम डाउट पर डाउट क्लियर हो जाए, बन जाए, डाउट्स बनते हैं बट इतने ज़्यादा नहीं बनते कि तुम लोग को डेली का डेली आना पड़ेगा। तो ये फायदा है डी स्क्वायर बहुत सेफ गेम है, पता है मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई अगर ऑनलाइन ले लो डी स्क्वायर ले लो ना, बड़ा सेफ गेम खेल रहा है वो, पैसे के पैसे बच गए, मजाक नहीं कर रहा, सही बात बोल रहा हूँ,
फिजिक्स के पैसे बच गए भाई, क्योंकि उतने पैसे में हम लोग भी तो जिन टीचर से पढ़ रहे हैं वही तो पेड बैच में भी पढ़ा रहे हैं ना, सेम टीचर पढ़ा रहा है तो डिफरेंस तो आया नहीं। दूसरा चीज घर पे पढ़ा, ये डिसिप्लिन नहीं आता जो क्लास में पढ़ने से आता है, वो घर पे नहीं डिसिप्लिन आ सकता कभी। और डी स्क्वायर वालों को मुझे लगता है कि भाई डाउट के डाउट क्लियर हो रहा हूँ, और मैंने ये चीज़ देखी है हम लोग के ऊपर टीचर्स ध्यान देते हैं पर डी स्क्वायर वालों को, हम लोग को अगर कुछ समझ में आता है कोई टॉपिक तो सर पूरा टॉपिक समझा देते हैं, उसके अगल बगल का टॉपिक समझा देते हैं। डी स्क्वायर वालों को अगर कोई टॉपिक में डाउट है टीचर पूरा चैप्टर पढ़ा देता है और 15 से 20 मिनट पूरा पढ़ा देता है, और हम लोग देखते हैं और फिर हम लोग सर को बोलते हैं सर ये तो गलत बात है, तो कहते हैं तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, और वो लोग आगे चेक कर लेते हैं क्लास में कि सब क्या पढ़ रहा है। तो हम लोग कुछ बाहर का ज़्यादा नहीं पूछते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा आउटर नहीं जाके पूछते, मतलब लिमिट में रहकर हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा भी नहीं कि सर बताते नहीं, बहुत कुछ वो लोग बताते हैं। अच्छा अच्छा डी स्क्वायर वाले टीचर्स हम लोग की बहुत सबसे ज़्यादा मुझे तो ऐसा लगता है कि डी स्क्वायर वाले टीचर्स की बहुत सारे टिप्स हैं जो मेरे ऊपर वर्क किए हैं और मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। सो ये चीज़ें हैं, ये गेम आप खेल सकते हो डी स्क्वायर वाला और सी स्क्वायर। और बहुत सारे बच्चों का है कि भैया पाठशाला कैसा है, पीडब्ल्यू कैसा है। मैं पाठशाला से पिछली साल के निकले बहुत सारे बच्चों से मिल चुका हूँ, इस साल पढ़ रहे बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ, पेड बैच में जो है उनसे मिलता हूँ, सी स्क्वायर में मैं खुद पढ़ रहा हूँ उनसे मिल रहा हूँ, डी स्क्वायर वालों को मैं देख रहा हूँ। किसी के मुँह से मैंने कभी ये नहीं सुना है ना कि पाठशाला में आना मेरी गलती है, और ये बात मैं 100% गारंटी के साथ कर रहा हूँ। मैं अभी घर आया था, मेरा घर कुशीनगर में, मैं अभी एक लड़के से बाहर मिला जो मेरे एक टीचर मुझे बहुत पहले जब मैं 10th में था 11th में था तो मुझे कोचिंग उन्होंने पढ़ाया था, मैं मैथ्स की कोचिंग करता था, बस सिर्फ एक मैथ्स की मैंने कोचिंग की। सो वो भी ज़्यादा नहीं, 2 महीने उन्होंने पढ़ाया, उनका बेटा मुझे मिला यहाँ पे, तो उसने वो यकीन बैच में था, और वो किसी और को मतलब यहाँ मेरे यहाँ मैं हॉस्पिटल में जिसमें रहता हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसी में एक अंकल है जो फार्मासिस्ट है, उनको वो सजेस्ट कर रहा था जिनका बेटा, उनका बेटा 10th में है, तो उनको ही सजेस्ट कर रहा था कि आप आकाश छोड़िए, आप एलएन छोड़िए, आप कोई अदर क्वेश्चन छोड़िए, आप फिजिक्स वाला जाकर कराइए। और ये चीज़ है यार, ये सब जगह मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि फिजिक्स वाला ज्वाइन करो, मैं जिससे मतलब मुझसे कोई पूछता है मैं कहता हूँ यार 110% ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका पैसा फंस गया, अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, मैं 100% गारंटी देता हूँ निकल जाएगा यार, क्योंकि टीचर्स बहुत एफर्ट मारते हैं यहाँ पर। और एक और सबसे बड़ी चीज़ बता देना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपको पता, बहुत नामी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके बहुत सारे इश्यूज़ भी होते हैं जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो, उन सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे एक बात याद रखना, बच्चे पढ़ा रहे हैं, फैक्ट, बच्चे पढ़ा रहे हैं, 90% बच्चे पढ़ा रहे हैं। बच्चे आते हैं, वो लोग बच्चों को इसलिए नहीं ला रहे हैं, वो लोग वो बच्चे भी इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं, या वो बच्चे चाहते नहीं, कुछ बच्चे तो चाहते भी नहीं, बट सिर्फ पैसे का इतना ज़्यादा लालच वो लोग दे देते हैं ना। और इसमें कुछ गलत बात नहीं, अगर तुम अब ये मत तुम लोग सोचना कि अरे ये पैसे के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, करते हैं लोग, सब करते हैं, तुम भी करोगे अगर तुमको मिलेगा तो। अब तुमको अगर कुछ 1-2 लाख रुपये महीने का देगा या 3-4 लाख, तुम एक नॉर्मली बीटेक कर रहे हो या तुम आईआईटी में फर्स्ट ईयर में हो, चाहे तुम नीट के फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, अगर तुमको कोई इतने पैसे देगा तुम क्यों मना करने जाओगे? तुम्हारे घर वालों की सैलरी से ज़्यादा तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं, कोई मना नहीं करेगा, और उसमें कोई टैक्स नहीं कटना है क्योंकि वो एक सैलरी बनेगी ही नहीं, वो एज अ सैलरी तुमको थोड़ी मिल रही है। एजुकेटर्स की टैक्स उतना ज़्यादा, मुझे जितना पता है ऐसे बच्चों को टैक्स कहाँ देना पड़ेगा। सो ये चीज़ें हैं, तो एक चीज़ समझ लीजिए, और फिजिक्स वाला में आपको बच्चे नहीं मिलेंगे पढ़ाते हुए। फिजिक्स वाला में मिनिमम मुझे ऐसा लगता है अभी तक जितने भी टीचर्स हैं सबके पास 6-7 साल का एक्सपीरियंस है और एक एजुकेशन डिग्री, और उसके ऊपर उनका एक्सपीरियंस, उसके ऊपर उनकी नॉलेज, सब है। सो आपको पीडब्ल्यू में सब कुछ मिलता है। और ये जो डायलॉग है ना पीडब्ल्यू के सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, ये एकदम 100% करेक्ट है, अलग पांडे ने इस चीज़ को प्रूफ किया है। और हर बार सिर्फ आप डिग्री देख के भी किसी को ये नहीं समझ सकते कि वो बहुत अच्छा पढ़ाता है, ये भी बात याद रखना। अलग सर कोई आईआईटी नहीं की है बट आज उनके पढ़ाए बच्चे आईआईटी निकाल लिए हैं, ये भी फैक्ट है। सो ये चीज़ समझो, और जितने डाउट्स थे मैंने सारे क्लियर कर दिए। अब अगर मुझसे किसी ने डाउट पूछा मैं इस वीडियो पर भेजूंगा और वो वीडियो ही देखना, मेरे से कोई अब एक भी एक्स्ट्रा डाउट पूछे तुम लोग, मैं जा कर रहा हूँ पूछ लेना यार, मैं बता दूंगा अगर मेरे को टाइम मिलेगा, मैं शॉर्ट वीडियोस में डाल दूंगा। बट ये फाइनल वीडियो था जो कि मैं सारे के सारे आप लोगों के डाउट क्लियर कर लिया हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, 20 मिनट की वीडियो होगी भाई,
तुमने कितना बुलवा दिया है, मेरा भी गला दर्द होता है। तो हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, चलो निकलो पढ़ा गया, बाय बाय।